अब मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूंगा फिल्म ऑल इज वेल के डायरेक्टर, बहुत ही टैलेंटेड हैं, आपकी जोरदार तालियों के बीच, मिस्टर उमेश शुक्ला। उमेश भाई आपका कॉमेडी नाइट से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू उमेश भाई, सबसे पहले तो आपकी बधाइयां, बड़ी पेंडिंग है ओ माय गॉड के लिए, आपको बहुत बहुत बधाई, और अब ऑल इज वेल के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, बहुत अच्छी, लोग पसंद कर रहे हैं फिल्म को। अच्छा भाई एक बात बताइए जी, ऑल इज वेल जब आपने बनाई तो आपने इस चीज पे मतलब थोड़ा वर्क किया था कि मैं अभिषेक को साइन करूं साथ में आसिन को, ऋषि कपूर सर को? जी मेरा उद्देश्य ये था कि मैं इतने बड़े कलाकारों को लूं जी, ताकि मैं ये शो पे आ सकूं, आपके साथ बात कर सकूं। अरे वाह, तो मेरा इंटेंशन यही था। ये हमारी औकात है। मैंने स्क्रिप्ट इसलिए लिखी कि मैं फिल्में इसलिए लिए ताकि कॉमेडी नाइट से कपिल के साथ मतलब कौन हमें जानता है सर, आपके शो में से आओ ऑल इज वेल पार्टी के लिए, फिल्म चल रही है तो बोल सकता हूं। एक बात बताइए उमेश भाई, आपने असिन से फिल्म में ऐसा कौन सा काम करवा लिया कि वो फिल्म में छोड़ के शादी करने चली गई? जी वाकया ऐसा हुआ था कि मेरे घर के बाहर एक ट्रक आया जिसमें काफी सारे सेलफोन्स थे और सब ऊपर आए, मतलब इतने सारे सेलफोन कौन भेज रहा है मुझे, तो सब में एक SMS लिखा हुआ था, जो SMS में लिखा हुआ था कि इनके जो होने वाले पति हैं उनके सब मैसेजेस थे कि भैया उन्होंने बहुत एक्टिंग कर ली, अभी उनको एक थोड़ा ब्रेक चाहिए। अच्छा, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं उनसे करवाऊंगा काम और उसको जितना जी भरे ये फिल्म में करवा लूंगा काम ताकि वो अच्छा ब्रेक ले सके। तो उन्होंने बहुत किया ही बहुत ही बहुत ही खराब जोक था टेरिबल 0 points। पर ये बहुत यही होता है ना जब डायरेक्टर लोग एक्टर बनना चाहते हैं। आप ये जो बात है गांठ बांध के सुन लीजिए, आप जितने भी हमारे इंडस्ट्री में डायरेक्टर हैं सब फ्रस्ट्रेटेड एक्टर्स हैं, सब के सब, सब कॉमेडी नाइट्स पे कपिल पे आना चाहते हैं, बैड जोक्स क्रैक करना चाहते हैं, बस जोक इज नॉट फनी, डिलीवरी इज बैड, टाइमिंग इज रॉन्ग, तुम डायरेक्शन पे यू गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, रुक जाओ उमेश थम जाओ। उमेश भाई हमारे यहाँ पे रवायत है कि हमारे जो दर्शक यहाँ पे होते हैं वो अपने चहेते स्टार्स के साथ बातें करते हैं, हम लोग कर भी रहे थे ऑलरेडी जी, तो और हमारे कौन दोस्त हैं जो बात करना चाहते हैं जी? इनका टी शर्ट बहुत मजेदार है यार। हेलो सर, हेलो कपिल सर, हाय, हेलो अभिषेक सर, हेलो आसिन मैम। मेरा क्वेश्चन आसिन मैम से है, मैं बचपन से आपका बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। सच में कौन सी फिल्म देख ली आपने? सच में मतलब बचपन से आप, अरे कितने साल के हो भाई? 19 का हूँ, 19। तो बचपना कब तक मानते हो? मतलब मैंने आपकी एक पिक्चर देखी थी शिवामणि नाम की, जिसके आगे एक टाइटल का एक नंबर भी था 9848022338, और मैंने वो टाइटल देखने के बाद मुझे लगा कि आपका फोन नंबर है, मैंने बहुत बार ट्राई भी किया, बहुत बार ट्राई किया लगा नहीं, पर बाद में आपका नंबर चेंज हो गया। वैसे वो नंबर पे बहुत सारे कॉल्स आए थे, किसी असिस्टेंट डायरेक्टर का नंबर था। फिल्में आपने सारी देखी आसिम की? आसिम की बॉलीवुड साउथ एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा उनका। आपने पूछा कि सब पिक्चर, हाँ सब पिक्चर देखी। ये क्यों किया था आपने ऐसे बोला? सब पिक्चर देखी है, मोस्टली सब देखी है, साउथ की बॉलीवुड की सब देखी है मोस्टली। आपको पता ना आसिन के जो होने वाले पति हैं वो फोन कंपनी उनकी ये है, वो आपकी आउटगोइंग बंद करा देंगे। आप नंबर ले भी लो तो कर नहीं पाओगे कुछ, आउटगोइंग बंद करा देंगे गुरु। आपने पिक्चर देखी है? हाँ तेलुगु पिक्चर। तो अगर आपने कहानी देखी है तो उसमें एक इंस्पेक्टर, then nobody here will understand. It's okay, he'll understand. What will he? अच्छा लगेगा, please. वालकम अरे वाह सिद्धू पाजी. हाँ चलूँगा चलूँगा. है? चलना माँ. हाँ चलूँगा. इवंगल केलना पूरी याद आप रहों. ये नो कोई आलू नल्ले तेरे दे परिंदे वाले ना बम्बई. ये इस चैनल पे नहीं चलेगा. ये क्या क्या बोला आपने उनसे? बड़ा अच्छा लग रहा था. तमिल पेसिंगला. इवंग नल्ला तमिल पेसवांगा. हाँ चलूँगा चलूँगा नहीं का चलूँगा. हाँ एरपिंगला मार्टिंगला. ओ भाई तुम लोग कॉन्वर्सेशन करो, हम गुरुद्वारे चलते हैं।
उसमें जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो प्रोटैगनिस्ट, उनका नंबर है अगर आप कहानी देखी हो तो। अच्छा अच्छा, थैंक यू मैम। और कोई मेरा दोस्त? हाँ पीछे, उनको माइक दे दीजिए। हेलो कपिल सर, हेलो एवरीबॉडी। पराठे का बर्गर, एक लड़की छोड़ के कंगना रनौत बैठी है कि लड़का? लगती तो वही है। अच्छा लगती तो वही है। अच्छा अरे वाह, जाने तो उनके बाजू में उनके हस्बैंड है सर। और तो उसमें क्या है सर, मैं तो अच्छी बात ही बोली, कॉम्प्लीमेंट। हर जगह हर जगह ही चांस मारते हो। कौन आप? हमारा देश आजाद महमूद के नासी है। देश आजाद, हमारा देश आजाद है, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं है अभी। इसलिए तो हम सबसे बड़े आपके फैन हैं। आप भी तो हर जगह से फैले हुए हैं। आप कहाँ से आए ब्रदर? सर मैं जलगांव से। जलगांव से? कैसा जल आ रहा है पूरा उधर? एकदम। सर मेरा क्वेश्चन अभिषेक सर से। जी पूछिए। मैं सर की शादी में गया था, बट मुझे भारत में डांस करना था, तो भारत में इतनी भीड़ थी कि मुझे डांस करने को मौका ही नहीं मिला। फिर मैं चाहता हूँ कि अभिषेक सर यहाँ पे है, तो फिर मैं सर थोड़ा घोड़ी पे चढ़े और मैं थोड़ा डांस करूँ सर के लिए। अच्छा घोड़ी पे चढ़े सर, हाथी पे ना चढ़े सर। अच्छा मेरी शादी में आए थे? हाँ। अच्छा मुझे याद तो है नहीं, लेकिन चलिए तो एक काम कर, आप आ जाइए, समझ लेते हैं कि ये घोड़ी है, ठीक है? इसका वेट नहीं लेगी ये घोड़ी। हाँ इसका वेट नहीं लेगी। चलेगा चलेगा। अब मैं आगे डांस करूंगा, आप पीछे घोड़ी। तुम आगे पीछे कुछ भी करो यार, मेरे ऊपर मत करना बस, और बैठना भी मत घोड़ी पे। हाँ अभी बारात वाला म्यूजिक लगाइए आप लोग, मैं घोड़ी पे आ रहा हूं। क्या बारह दूल्हे की खुशी मना रहे, चिढ़ा रहे थे उसको। उतर जाओ, उतर जाओ। पहली बार घोड़े के आगे हाथी को नापते हुए देखा। क्या बात है। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत सुपर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।